कश्मीर के मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी डिग्री कॉलेजों में इन दिनों मुश्किल बड़ी घड़ी ये है कि आप मेडिकल नॉन मेडिकल के बाद जो बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है आर्ट्स, और आर्ट्स में आपका स्कोप बहुत ज्यादा है। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में आप ही इम्तहान में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद ये तालीमी माहौल, तालीमी सरगर्मियां आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी मुकम्मल होती है जो ही वो MBBS क्वालिफाई करता है। इंजीनियर की अपनी इंजीनियरिंग और स्टडीज जो है वो थम जाती है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, डिग्री कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन आर्ट्स का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये बात कहना इसलिए बड़ा लाजमी बनता है क्योंकि हमारे नुमाइंदे राही निसार के मुताबिक पटन के हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट्स मजामीन को पढ़ाने के लिए आपके पास बिल्कुल लेक्चरर्स की कमी की वजह से तुलबा जहनी कौफत के शिकार हो चुके हैं। बताया जाता है कि कुछ वक्त कबल इन लेक्चरर्स का तबादला किया गया। कुछ लेक्चरर्स ने अपना मैयाद जो है ड्यूटी का, सर्विसेज का पूरा करने के बाद सबकदोज भी हुए, लेकिन कुछ लेक्चरर्स का तबादला अमल में लाने के बाद उनके मतबादल के तौर पर हायर सेकेंडरी मजमून में यहां आर्ट्स पढ़ाने के लिए टीचर्स या लेक्चरर्स नहीं लाए गए, जिसकी वजह से 2 बरसों से मामला चल रहा है। 1100 तुलबा जेर तालीम है। 2 मजामीन के अलावा इसमें आर्ट्स के लिए जराए के मुताबिक 1 साल से कबल 3 लेक्चरर्स सबकदोश हुए, जबकि उनके मतबादल के तौर पर लेक्चरर्स अभी तक नहीं लाए गए। मकामी तुलबा ने जबरदस्त शोर गुल करते हुए कहा कि उनका मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एक हायर सेकेंडरी की बात नहीं है, बारामुल्ला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों में टीचर्स लेक्चरर सबकदोष हुए, उनके मतबादल अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं भेजे गए। तबादले और ट्रांसफर्स होते रहे लेकिन उसके बाद रिप्लेसमेंट नहीं आई। हमारी कोशिश है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर एजुकेशन से कि ये मजामीन पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स का होना बड़ा लाजमी है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉन्ट्रेक्चुअल सेशन को आपने बंद क्यों किया? बड़ी अहम बात है कि जब आपके पास रेगुलर अल्टरनेटिव्स नहीं है तो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लेने बंद क्यों किए? इससे कितना ही इजाफी बोझ जो है वो सरकार पे पड़ता, और ये जो अल्टरनेट अरेंजमेंट था सब्जेक्ट के हिसाब से मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स के लिए, इसके लिए आपको मतबादल के तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स मिलते थे, लेकिन इस साल न जाने क्यों वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम भी रोक दिया गया, जिसका शाखसाना आने वाले कल में इन बच्चों को उठाना पड़ सकता है। स्टूडेंट हूँ, जैसा कि आप इन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें टीचर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, हम मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और कि यहाँ पे 8 लेक्चरर्स की ट्रांसफर हुई है, तब से हमें यहाँ पे कोई नहीं भेजा गया। बिकॉज ये क्यों हो रहा है, हमने प्रिंसिपल सर के साथ भी बात करी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश करी और अदर चूंकि हमें हर साल देना पड़ता है स्टाफ डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ या स्टाफ स्टेटमेंट, तो वी आर मतलब बाउंड कि हम वो सबमिट करें अपने कंसर्न जो अथॉरिटीज़ होते हैं CO साहब को, और वो डायरेक्टरेट ऑफिस में भी पहुंचते हैं, लेकिन हम ये कहें वसूख से कि आज तक उनके मुताबिल में कोई नहीं आया, तो बच्चों का ऐसा ही कहना है। ZDO साहब ने ऑर्डर्स भी निकाले। रमजान का मेही